पहुंच चुके हैं मैक्लेरन के शोरूम। चेक दिस आउट गाइस, वी हैव द मैक्लेरन 720S। जिसने भी ये चीज बनाई है ना, क्या सुंदर बनाई है। लुक एट द एग्जॉस्ट, ये चेक करो भाई। तो मेरे से भी लंबी हो गई अब ये तो आधी हो गई ब्रो। फील है ब्रो इसमें बैठने की। भाई इसका गियर बॉक्स देखना कितना छोटा सा। दूसरा भाई तो आधी हो गई सच में। दिस इज द मैक्लेरन आर्टुरा गाइस। So, hey guys, good morning, welcome back to the new episode. सुबह के बज रहे 8 guys. मैं आपको बता देता हूँ, आपको बताइए लास्ट एपिसोड में यू सॉ हम लोग 5 बजे घर आए थे दुबई टाइमिंग पे, 8 बजे हम लोग सुबह उठ चुके हैं। एंड द थिंग इज गाइज, अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं अपनी मैक्लेरन देखने के लिए गाइज। बट द थिंग इज, अली भाई की ना एक दिक्कत हो गई। अली भाई की जो टाइमिंग आज थे वो उनके शिफ्ट हो गए। उनकी पहले रात की ड्यूटी थी बट फिर आज सुबह की ड्यूटी शिफ्ट हो गई, तो वो बेचारे 7 बजे निकल गए। फिलहाल अभी मैं, हर्ष और दुष्यंत गाइज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मैक्लेरन देखने के लिए। मैंने लास्ट टाइम मैक्लेरन देखी थी, इतनी खुशी हुई थी ना। एंड मैं आपको बता रहा था ना, बेस्ट थिंग अबाउट मैक्लेरन वाज जो उसके ऊपर डोर खुलते हैं ना, सारे पैसे उसके। क्या क्या, हम ऐसी गाड़ी खरीदेंगे जिसके दरवाजे ऊपर खुलते हैं। दुष्यंत आज किसकी शादी है? मामा जी की। आज गाइस हम लोग फाइनली अपनी मैक्लेरन देखने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए सब लोग रेडी हो चुके हैं। मैं बता नहीं सकता हूँ, केवल 2 घंटे सोए। 2 घंटे भी कैसे सोए, मैं सोच रहा था फट 8 बजे गाइस हम लोग निकले। इतनी नीचे भीड़ हो रखी है ना। हाँ, कल वो गार्ड भैया भी बोल रहे थे कि आकर मिल लो, इनका भैया अभी आ रहे हैं। एक चीज बताओ मेरे को, तुम्हें मेरे होटल की लोकेशंस कैसे पता लग जाती है गाइस? दुबई मैं सच्ची में कल भी बहुत सारे लोग आ रखे थे बट फिर हमारे टाइमिंग आवर्स बहुत डिफरेंट थे, तो गार्ड भैया को बोला कि वो लोग चले गए। यार प्लीज थोड़ा सा समझा करो, मतलब वेट मत करा करो, क्योंकि पता क्या रहता है, मेरे को पता नहीं रहता कौन कब मिलने आ रखा होता है। एक बंदा भयंकर शारजा से मिलने आ रखा था, वो पूरे ऑलमोस्ट लाइक 8 घंटे वेट करा बट मैं मिल नहीं पाया गाइस, क्योंकि अपने काम भी चल रहे हैं एंड 10 चीजें और भी देखनी है, और मुझे पता भी नहीं रहता। मुझे शाम को पता लगता है, गार्ड भैया बता दे कि कोई आपसे मिलने आ रहा था। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हम कभी बाहर मिलेंगे तो हम लोग आराम से मिल लेंगे, बट ऐसे होटल में मत आया करो गाइस वेट करने के लिए, क्योंकि मुझे फिर बुरा लगता है। फिलहाल के लिए गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं। एंड मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग सुपरा में नहीं जा रहे हैं बिकॉज 3 बंदे सुपरा में फिट नहीं आएंगे। सो हम लोग यहाँ से कर रहे हैं टैक्सी गाइस। मैक्लेरन का शोरूम ऑलमोस्ट लाइक 20 किलोमीटर दूर है। हर्ष अपनी मैक्लेरन लेने जा, ओ माय गॉड गाइस मैं तो भूल ही गया था, हर्ष अपनी मैक्लेरन लेने जा रहा है। ये देखो गाइस रूम की हालत क्या हो रखी है, भयंकर भाई। हम लोगों ने अच्छा सा रूम लिया था, अब इसकी हालत इतनी खराब हो रखी है ना, आज क्लीनिंग के लिए देना पड़ेगा। ये वाला बैग सारे तीन बैग्स निकाल लेंगे। नीचे चलते हैं गाइस, कैब मंगाते हैं और फिर निकलते हैं मैक्लेरन के शोरूम। ओके बॉयज, निकल चुके हैं हम लोग मैक्लेरन जाने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल गाइस, अपनी सुपरा के लिए जा रहे हैं। सुपरा में 2 ही सीट है ना भाई, बहुत भैया बोल रहे थे आपकी गाड़ी की चाबी बाहर निकले, पहले बोल रहा आपकी गाड़ी की चाबी। उन्हें क्या दुख दर्द बताएं, सुपरा में केवल 2 ही सीट है गाइस। कभी कभी ऐसा दुख दर्द भी होता है कि यार हमारी गाड़ी में केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं। जब मस्टैंग थी ना हमारे पास, तो उसमें कम से कम 4 लोग तो आराम से, 6-7 तो भरे रहते थे तब भी। कैब कहाँ से लेनी है तो बताओ, बुरी वो टैक्सी खड़ी है गाइस। देख लाइफ में कितने बड़े भी बन जाओ ना, पैदल चलना आना चाहिए, है ना। इंजन जा नहीं सकते ना गाड़ी में, तो पैदल चलना, थोड़ी मजबूरी भी है गाइस इसलिए पैदल चल रहे हैं। नहीं तो अली अगर यहाँ पर होता ना तो फिर तो हम लोग गाड़ी में ही जा रहे होते, बट मैं अकेले 3 बंदों के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहता। क्या हाल है बढ़िया भैया? ओके बॉयज, हम लोगों ने अपनी कैब बुक कर दी है। एंड मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ऐसे लोकल टैक्सी ना मिल रही यहाँ पर, तो देयर इज एन ऐप कॉल्ड करीम, इससे खाना टैक्सी ट्रैवल सब कुछ अकोमोडेट हो जाएगा। याद रखना ऐप का नाम है गाइस करीम दुबई, सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। एंड इट वर्क्स लाइक ओला जोमैटो ऊबर, सब एक ही में मिल जाएगा, मतलब आपको बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने कैब ऑर्डर करी दी थी गाइस, बस 1 मिनट में कैब पहुँच रही है। जैसे ही कैब पहुँचती है फिर शोरूम यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट दूर है, और आ चुकी है हमारी कैब गाइस। वो रही है हमारी कैब गाइस। लोकेशन ना वहाँ पर थी, हमें ना रोड क्रॉस करके आना पड़ा। ओके बॉयज, फाइनली हम लोगों को हमारी कैब मिल चुकी है। एंड द थिंग इज, हमारी लोकेशन ना उस साइड थी बट समहाउ इट ग्लिच्ड एंड हम लोगों को रोड के ऑपोजिट आना पड़ा। मालिक क्या कह रहे हो, फाइनली मैक्लेरन शोरूम वेट कर रही है हमारी मैक्लेरन।
भाई कितने दिन से वेट कर रहे थे गाइस, विश हमारे साथ ना अली भाई भी होते हैं, बट अली भाई की जॉब है, उन्होंने अच्छा मौका मिस कर दिया। यहाँ से इट विल टेक लाइक 20 मिनट्स टू गो देयर, एट 20 मिनट में अपनी मैक्लेरन के पास होंगे। जो शोरूम का जो ओनर है उनसे ऑलरेडी बातचीत कर ली थी अली भाई ने, थोड़े प्रोफाइल्स दिखा दिए थे ना, तो फिर इम्पोर्टेंस दुबई में इम्पोर्टेंस पहुँचते हैं फिलहाल। Guys, अभी हम लोग शेखजाद रोड से जा रहे हैं। Check this out, we have got a Urus there. क्या मस्त लग रही है Lamborghini Urus भाई। हम लोगों का प्लान पहले Urus खरीदने का ही था, but then we bought a Hurricane LP580. एक दिन Urus भी जरूर खरीदेंगे guys. मस्त SUV है। सोचो एक सुपर स्पोर्ट्स भी हमारे पास और एक SUV भी हमारे पास, दोनों Lamborghini. Guys, पहुंच चुके हैं McLaren के शोरूम। इतनी खुशी लग रही है ना, इतनी खुशी, can't tell you the happiness guys. वो चेक करो क्या कह रहे boys, McLaren. खुशी को दिन दुख दुख सा हो रहा है, दुख दुख जब शोरूम के अंदर जाएंगे अब तो मेरे तो तोते उड़ने वाले guys. हैप्पी। ओके बॉयज, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं McLaren के शोरूम, एंड जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ना, जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उससे आपके होश जरूर उड़ने वाले, क्योंकि हम तो ब्लैंक हो रखे हैं। Check this out guys, we have the McLaren 720S. Boy saab, Harsh, Dushyant, meri to black wali bhi ho, but McLaren hai bhai. Kya crazy guys, kya crazy machine hai ye, check karo yaar kya sundar, jisne bhi ye cheez banayi hai na kya sundar banayi hai. Look at the exhaust, and then we have the automatic spoiler adjusting system. Ye automatic adjust karta hai speed ke hisab se. भाई साहब ये चेक करो, पीछे से देखो, वहाँ ये चेक कर रहे हो, तुम पीछे से दिखाई देगा जब हम दोनों इस गाड़ी में चल रहे होंगे ना, तुम पीछे से दिखाई देंगे भाई क्या मस्त गाइस, कांट टेल यू, बट ये चेक करो क्या मस्त लग रही है। यही वो मॉडल है गाइस जो हम लोग प्लान कर रहे हैं बाय करने का, ये एंड ये सिल्वर कलर में, एंड दूसरी वाली गाइस ग्रीन कलर में। 720S पे इनके पास तीन कलर और है, एक वाइट भी है, ये सिल्वर वाला यहाँ पर है, ये ग्रीन वाला यहाँ पर है, एक बाहर वाइट भी इनके पास, बट एक और ब्यूटी गाइस जो मेरे को पसंद आई है, ये चेक करो भाई, ये हर ये तो और भी हम लोग, मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा पैसा ना सुपर कार्स में ही गवा रहे अपना, जब भी शोरूम आते हैं फिर लगता है यार ये वाली पसंद आ गई, ये भी सुंदर लग रही है। दिस इज़ दी McLaren Artura गाइस, ये जिन्हें पता है उन्हें पता है क्यों पसंद आई है, बिकॉज ऑफ दिस कलर, ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है ना, बट Artura इज़ लाइक ओके फाइन, भगवा कलर। एंड पीछे से चेक करो गाइस, सेम, बस इसमें स्पॉइलर एडजस्टिंग सिस्टम नहीं है, बट पीछे से भी क्या मस्त लग रही है। एंड ये जितने भी सीरीज में आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना गाइस, दिस इज ट्विन टर्बो। मैं आपको बता देता हूँ गाइस, लैम्बो ना टर्बो सिस्टम के साथ नहीं है, बट ये ट्विन टर्बो सिस्टम से, लाइक द H2 वाला सीन, जब टर्बो डाल देते हो ना तो गाड़ी की पावर इज OG। क्या बोल रहे हैं, तो क्या ये लैम्बो को हरा देगी? भाई लैम्बो के सामने नहीं टिक सकती यार, ये लाइक वन ऑफ दी फास्टेस्ट कार्स यार, 720 Artura, ये ऐसी सीरीज है जो सबसे पहले सुपरा चलेगी, फिर लैम्बो, सबसे पहले चलेगी थार, फिर उसके बाद चलेगी हाइलक्स, फिर उसके बाद चलेगी सुपरा, फिर उसके बाद चलेगी लैम्बोर्गिनी, और उसके बाद फिर हमारी McLaren। मुझे लग रहा है कि हाइलक्स और थार मतलब हमारे साथ चलेगी। मुझे लग रहा है 40-50 किलोमीटर का गैप होगा इस इन पे हाईवे पे। मैं आपको बताता हूँ, मैं ना कभी सुपर कार्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, बट जब से ये सुपर कार वाले सेगमेंट में घुसा हूँ ना, जब भी शोरूम आता हूँ ऐसी जगह आता हूँ, इंडिया में कार्स बहुत मुश्किल से अवेलेबल है, बट जब दुबई ये कार्स देखने के लिए मिलती है ना, यू फील लाइक भाई ये सिस्टम है गाइस, ये सिस्टम। फिलहाल अभी जो शोरूम का मैनेजर है वो हमें टेस्ट राइड के लिए भी लेकर जा रहा है, बट ये चेक करो गाइस क्या सेक्सी लग रही है। सब लोगों को वेट था, ये चेक करो भाई, ये तो मेरे से भी लंबी हो गई अब। ये तो आधी हो गई। वाह भाई, ब्रो फील है ब्रो इसमें बैठने की,
भाई इसका गियर बॉक्स देखना कितना छोटा सा, दूसरा भाई ये तो आधी हो गई सच्ची में, सच्ची में आधी हो गई। देख और ऊपर देख, सनरूफ की बात कर रहा था ना, फाइनली सनरूफ वाली गाड़ी। सुनो मेरी बात दुष्यंत, सनरूफ में ऐसे गोल करके चलाएंगे अगर ये उधर से डोर खोल दिया ना तब तो खत्म गाइस। बट चेक द इंटीरियर आउट ऑफ मैक्लारेन गाइस। जब आप इंडिया में कोई गाड़ी बाय करते हो ना 2-3 करोड़ की, भयंकर यहाँ से लेकर के वहां तक LED TV देते हैं उसमें। वो देखो भाई क्या ही है जी, कछुआ था। इससे वो जादू तो नहीं आ जाएगा फैंकर है? चलो ठीक है ओके, अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर निकलना आता है ना ध्यान से। ओके गाइस, मैं अभी मैक्लारेन के अंदर बैठा हूँ एंड ये चेक करो भाई क्या मस्त लग रही है। अंदर से ना ज्यादा स्पेस नहीं है, पीछे भी यू डोंट हैव एनीथिंग स्पेस सुपर कार्स में यू कांट एक्सपेक्ट, बस सारे लोगों के पैसे हैं गाइस, मैक्लारेन के पैसे हैं। मैक्लारेन को बाय करने का सबसे बड़ा रीजन ही मेरे लिए, फॉर मी, आपको पता है गाइस इंडिया में रोड थोड़ी सी ऐसी हैं कि आप ज्यादा एक्सट्रीम लाइक नो चला नहीं सकते। बट द थिंग इज मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो डोर वाला सिस्टम है ना, वी विल हैव अ कार सून, कंटिन्यू द हैप्पीनेस। कितना अच्छा लग रहा है इसके अंदर बैठ करके। इंटीरियर चेक करो यार, एंड मैं आपको गाइस इसका एक्सेलरेशन और ब्रेक सिस्टम भी दिखाता हूँ। बहुत कम स्पेस है, यू नो, बहुत कम स्पेस एक्चुअली यार। मैं सोच रहा था स्पेस थोड़ी ज्यादा होगी बट है नहीं स्पेस यार। ये देखो गाइस, जब ये स्टार्ट होती है तो ऐसा कुछ आता है भयंकर, पता नहीं कहां से खुलती है, बाहर ही नहीं पता गाइस। अटक गया ब्रो, मैं भूल गया गाइस। आपके बाबू भैया मैक्लारेन का डोर खोलना भूल गए कि अंदर से डोर कैसे ओपन होता है, अंदर ही फंस चुका है और अपना एक्टिंग करके दिखा रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो एक्चुअली में डोर खोलना भूल गया है कि डोर कैसे खोला जाता है। सी जी पता नहीं कहाँ से खुले गाइस, हमारे बाबू भैया फंस चुके हैं, हमें निकालना पड़ेगा, आ जाइए। ये लो मैं सुनो मेरी बात, मुझे ना बाहर से बंदा बुलाना पड़ेगा, दुष्यंत हाथ दो। मैंने कहा था गाइस मुझे ना बाहर से बंदा बुलाना पड़ेगा इसको उतारने के लिए, अंदर से तो पता नहीं लग रहा कौन से बटन से खुलती है। इसको ना खड़ी करके इसके चारों ओर घुमा करेंगे और कुछ नहीं, लेकिन इसको गैराज में खड़ी कर देंगे भाई। क्या मस्त लगती है ना ये गाड़ियां गाइस बाय करने वाली। चल तूने हीरा पा लिया, हीरा का प्रिंसेस है ब्रो, दिस इज गोना बी द माय न्यू किंग। और बहुत सारी क्वींस थी जिंदगी में, बट दिस इज गोना बी द प्रिंसेस। क्वीन तो आती जाती रहेंगे, प्रिंसेस मतलब तूने इसको अपनी बेटी वो कर दिया है। नहीं यार क्या बातें कर रहे हो, शादी करनी पड़ती है बेटी बूटी के लिए गाइस। फिलहाल कहाँ बच्चों वाली, अभी सुपरकार चलाने वाली उम्र है, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल अभी गाइस जो शोरूम का मैनेजर है वो आ रहा है एंड उसके बाद टेस्ट राइड लेने के लिए जाएंगे। बाकी गाइस कॉमेंट सेक्शन में बताना कैसी लग रही है गाइस, कैसी लग रही है अपनी मैक्लारेन, वो वाली या ग्रीन वाली, वो वाली हर्ष का फ्यूल स्टेशन या फिर दुष्यंत के किले। मेरी तो खुद की जमीन ही नहीं है गाइस। गाइस ये सरासर पागल बनाया जा रहा है, एक बार अकाउंट के नंबर 7 नंबर का अकाउंट बैलेंस है चेक। हाँ भाई कुछ भी बोलते गाइस, टेस्ट राइड के लिए वेट करो बस।